मार्शे पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी सीरीज की वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज इस यूनिवर्सिटी की करेंगे बात, जानेंगे सब कुछ आपके डिपार्टमेंट से लेकर स्कॉलरशिप तक, कौन से कोर्सेज आपको परस्यू करने चाहिए, किसके लिए वैसे कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कितनी फीस लगती है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। Established in year 1969 with more than 18,000 students, this University of Marche is one of the option if you are looking for a university which offers good medical and related courses. Not just medical, आगे मैं आपको courses भी बताने वाला हूँ, but सारे courses के लिए it can be one of the option if you are looking for a university which is not the best in the Italy but can offer good courses too. सबसे पहले हम बात करते हैं courses की, तो बिल्कुल bachelor's भी है आपके पास, मास्टर्स भी है एंड MBBS भी ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। एंड अ गुड थिंग इज करेंटली बैचलर्स, मास्टर्स एंड इवन MBBS तीनों के लिए यूनिवर्सिटी ओपन है। अब किस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं स्क्रीन पर जरूर देखिएगा, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया एंड यू हैव मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कोर्सेज के लिए आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्क्रीन पर एक बार फिर से देखिएगा, ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। चलिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, बट द टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग के हिसाब से दे रैंक एट 600 टू 800 वाली लिस्ट आउट ऑफ सो मेनी यूनिवर्सिटीज दैट दे इवेल्यूएट। सो 600 से 800 वाली लिस्ट में ही आते हैं इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन 2025। एडमिशन टाइमलाइन की बात करें तो मैं 13 दिसंबर को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपका 16 दिसंबर से एडमिशन ओपन हो जाएंगे विच विल गो टिल 31st of January 2025। दिस इज देयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल आपका शुरू होगा 1st March से विच विल गो टिल 30th of April 2025 एंड इनका तीसरा कॉल भी है विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1st June to 1st July एंड डेडलाइन बता रहा हूँ 1st July विल बी योर एंडिंग डेट। तीनों कॉल की डिटेल्स आपके लिए। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें इस यूनिवर्सिटी की तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपके पास 3 साल की डिग्री और आप मास्टर्स टारगेट कर रहे हैं तो आपकी डिग्री ऑनर्स की होनी चाहिए एंड इफ नॉट नहीं ऑनर्स की डिग्री तो आपको सिंपली 4 साल की बैचलर्स की डिग्री शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते। या इन अदर केसेस 3 साल की डिग्री है तो उसके साथ फिर आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 1 साल का जस्ट टू कवर अप दैट एंड उसके बाद ही आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद योर 3 इयर्स डिग्री। IELTS इस यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स मैंडेटरी है, अब तो हर एक यूनिवर्सिटी में होने लग गया है इस इंटेक से, तो इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। IELTS मैंडेटरी, एट द सेम टाइम परसेंटेज रिक्वायर्ड की बात करें तो मिनिमम 55% आपको लगने वाला है, हालांकि कोर्स पर बिल्कुल डिपेंड करता है, कुछ कोर्सेज के लिए तो इन्होंने पोर्टल पे डायरेक्ट मेंशन भी नहीं किया है, बट यस आप ये लेकर चलिए कि कोर्स टू कोर्स ये वेरी करता है। गैप ईयर्स का कॉन्सेप्ट रहेगा सेम, 5 इयर्स फॉर बैचलर्स एंड 8 इयर्स फॉर मास्टर्स। एट द सेम टाइम कुछ कोर्सेज के लिए आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है, श्योर नहीं है किन कोर्सेज के लिए, बट यस इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि इस इनटेक से किस कोर्स में किसके लिए इंटरव्यू लगने वाला है एंड विच विल बी डायरेक्ट कोर्सेज, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। एट द सेम टाइम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 10 यूरो आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है विच इज ऑफकोर्स नॉन रिफंडेबल। एक चीज का ध्यान रखें, इसमें आप 2 एप्लीकेशन कर सकते हैं बट यस दोनों की अलग अलग आपको 10 यूरो एंड 10 यूरो इस तरह से अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो बिल्कुल लेस देखिएगा एक बार स्क्रीन पर, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेशन ओनली, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एप्लीकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो हम बात कर रहे थे तो उसमें आपके पास IELTS होना चाहिए ऑफ 5.5 बैंड, मिनिमम 5.5 बैंड। स्कॉलरशिप की आपसे बात करूं तो इनकी लगती है एडिस रीजनल स्कॉलरशिप ERDIS, जिसमें आपको 8,000 यूरो मिल जाएंगे विच इज अप्रोक्सीमेटली 7,20,000 इंडियन रुपीज फॉर अ ईयर। ये 1 साल का है, वैसे ही आप 2, 3, 4 साल जितने भी साल का आपका कोर्स है ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लाइक इन्वेस्ट योर टैलेंट या ऑर्गेनाइजेशनल जैसी होती है एरास्मस मुंडस, ये सारे प्रोग्राम्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस यूनिवर्सिटी। चलिए यह था वीडियो नंबर 8 आपके लिए इन आर स्पेशल यूनिवर्सिटी सीरीज। 8 हुई, अभी तो आपके लिए और भी यूनिवर्सिटीज आने वाली है, कम से कम 25 यूनिवर्सिटी फिर से कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और यूनिवर्सिटीज के लिए और डिटेल्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Till then, stay tuned and yes, thanks for watching.